पर अपने शेष जीवन को धन्य करने के लिए यदि कोई आदर्श है, यदि कोई प्रकाश स्तंभ है, यदि कोई दीप शिखा है, यदि कोई मील का पत्थर है, तो एक इकलौता महावीर है। महावीर एक संसारी का पहला सोपान नहीं है। साधक का पहला सोपान और अंतिम सोपान हो सकते हैं, पर संसारी प्राणी के लिए राम पहला सोपान है, कृष्ण दूसरा सोपान है, पर महावीर तीसरे और चौथे सोपान पर आएंगे। पहले चरण में अगर हम महावीर का हाथ थामना चाहेंगे तो मैं कहना चाहूंगा कि महावीर की बजाय महावीर से पूर्व में हो चुके राम और कृष्ण का हाथ थामना चाहिए। पर जब इंसान को लगे कि अब वह प्रत्येक प्रकार पदार्थ के प्रत्येक प्रकार के भौतिक आकर्षण, भौतिक व्यामोह, भौतिक प्रपंच इनसे वह तृप्त हो चुका है, इनसे वह विरक्त हो चुका है, तब वह महावीर की शरण में आए, तब मैं कह सकता हूं कि ऐसी स्थिति में महावीर व्यक्ति के लिए परम तीर्थ साबित होंगे, परम मुक्तिदाता साबित होंगे, धर्म चक्षुओं को, हमारे अंतर चक्षुओं को खोलने वाले साबित होंगे। पर अगर हमें अनित्य संसार का बोध ही नहीं हुआ, संसार का व्यामोह ही अगर हमें खींच रहा है, बुला रहा है, तो हम केवल महावीर के पास जाकर कर क्या लेंगे? महावीर के पास उनका जमाई भी गया, जमाली, लेकिन कुछ पा न सका। महावीर के पास गौशालक भी गया पर कुछ पा न सका। गौतम गया तो धन्य हो गया, चंदन बाला गई तो कृतकृत्य हो गई, अर्जुन माली गया तो मुक्ति पथ का अनुयायी बन गया। कि हरि केश बल गया उसका कल्याण हो गया। तो जब तक हम इस अनित्य संसार के रस रंग से ही अगर मुक्त नहीं हो पाए हैं, तो निर्वाण की मुमुक्षा, निर्वाण की प्यास, मोक्ष की मुमुक्षा, मुक्ति की अभिलाषा हमारे भीतर पैदा ही कैसे हो पाएगी? हमारी इंद्रियां संसार की तरफ खुलती हैं, हमारा मन संसार की ओर गतिशील है, हमारा तन संसार से मिला है और संसार से ही वापस पोषित हो रहा है, इसके सुख दुख संसार से जुड़े हुए हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में अध्यात्म का अनुष्ठान कैसे हो पाएगा? अध्यात्म की अलख हमारे भीतर कैसे जग पाएगी? तो एक प्रकार से स्वयं महावीर, महावीर के संवाद, महावीर के सिद्धांत, सभी हमारे लिए सार्थक हो सकते हैं, बशर्ते हम लोग हकीकत में मुक्ति के अभिलाषी हों। यों तो कई लोग शमशान में जाते हैं, मुर्दों को जलाते भी हैं, लेकिन कोई विरला ही ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसके भीतर मुर्दे को देखकर जीवन की नश्वरता का बोध हो जाया करता है। बाकी तो अपन सभी लोग मुर्दों को देख भी लेते हैं, बूढ़ों को देख भी लेते हैं, रोगियों को देख भी लेते हैं, गर्भवती महिलाओं को देख ही लेते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा में न कोई हिलोर उठती है, न कोई तरंग उठती है, न कोई अनासक्ति का फूल खिलता है। तो जिन्हें मुक्ति चाहिए वे महावीर की शरण में आएं, जिन्हें अपना कल्याण चाहिए वे महावीर प्रभु के साथ अपने दिल के तार जोड़ें, जो महावीर से प्रेम करते हैं, मुक्ति से प्रेम करते हैं, वे लोग इन बातों को बहुत बारीकी के साथ
मन लगाकर इनको सुने, समझें और अपना कल्याण करें। मेरी समझ से महावीर की बातें, महावीर के संवाद वे उन स्थितियों में ही कारगर हो सकते हैं जब इंसान को पहले अनित्य संसार का सही में बोध हो जाए। इसे आप यूं समझें, अतीत में कभी एक बहुत महान नर्तकी हुई है जिसका नाम था वासव दत्ता। मथुरा की नर्तकी थी ये। तो बताते हैं कि उस समय उस नर्तकी का रूप, उसका नाम, उसकी विद्या, उसकी नृत्य कला न केवल मथुरा में वरन पूरे देश प्रदेश में बहुत ज्यादा प्रशंसित हुई, खूब नाम फैला। तो कहते हैं कि एक दफा जब वो अपने गवाक्ष में बैठी हुई थी कि तभी उधर से एक रूपवान, एक सुंदर, एक सलोना बलिष्ठ, एक युवा भिक्षु, युवा मुनि, युवा संत उसके गवाक्ष के नीचे से गुजरने लगा तो वासव दत्ता की नजर उस पर गिर पड़ी। वो देखते ही प्रभावित हो गई। उसने संत को आमंत्रित किया, संत उसके घर पर आया और अभिवादन करते हुए कहा, कहो भद्रे मेरे लिए क्या सेवा है। नर्तकी वासव दत्ता अभिभूत हो चुकी थी और उसने कहा कि मैं जिंदगी में पहली दफा किसी व्यक्ति को देखकर इतनी आकर्षित हुई हूं, बाकी तो यह सारी दुनिया मुझे देखकर आकर्षित होती है, पर जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं अपना दिल दे बैठी हूं। तो अब आज से मेरे सारे सुख साधन, मेरे द्वारा अर्जित की गई सारी संपत्ति, मेरा यह सारा सौंदर्य, मेरी एक काया और मैं खुद आज से तुम्हें समर्पित हूं। कहते हैं भिक्षु ने नर्तकी को ध्यान से देखा, मुस्कुराया और कहने लगा, ठीक है भद्रे, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैंने तुम्हें स्वीकार किया, मैंने तुम्हें स्वीकार किया। और यह कहते हुए वो वहां से निकलने लगता है तो वासव दत्ता आगे बढ़कर रोकने लगती है कि जब आपने मुझे स्वीकार कर लिया तो फिर आप जा कहां रहे हैं। भिक्षु ने कहा, मैं फिर कभी आऊंगा, और यह कहते हुए वहां से निकल जाता है। बताते हैं वासव दत्ता उसके बाद उस भिक्षु की खूब इंतजारी करती है, मगर वो भिक्षु, वो मुनि वापस लौटकर नहीं आता। वर्षों वर्ष बीत जाते हैं और जब से वो भिक्षु वहां से गया था तब से उसने अपने हर तरह के ग्राहक के लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया और वो लगातार उसी की इंतजारी में अपने दिन बिताती रही। चूंकि नर्तकी थी, अपना तन भी बेच दिया करती थी, तो उसे कई तरह के रोग हो गए, संक्रामक रोग हो गए, शरीर से दुर्गंध आने लग गई, शरीर में से मवाद बहने लग गया। तो राजा ने और नगर निवासियों ने मिलकर के उस नर्तकी को, उसके बूढ़े तन को, उसके रुग्ण शरीर को उठा करके गांव के, शहर के बाहर, नगर के बाहर रखवा दिया। वो तड़फती रही, लोगों से कहती रही कि मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो,
लेकिन लोगों ने कुछ न सुना क्योंकि ये रोग आगे फैलने की संभावना थी। तो कहते हैं कि नगर के दरवाजे बंद हो गए, रात का घुप्पा अंधकार था कि तभी अचानक वो अपने पास किसी के पांव की आहट सुनती है, चौंक जाती है कि कौन आया। वो जोर से कहती है कौन है, तो वापस जवाब मिलता है वही जिसे तुमने सौंपा था। वो समझ ना पाई कि तभी वो भिक्षु सामने प्रकट होकर के आ गया। बोले कौन, तो बोले संत उपगुप्त। और ये कहते हुए भिक्षु उसके पास बैठा, मुनि उसके पास बैठा और उसके घावों को धोने लगा। तो बोले अब क्या कर रहे हो, बोले तुम्हारे घावों को धो रहा हूं। बोले किस लिए, बोले तुम्हें स्वस्थ करने के लिए, क्योंकि तुमने मुझे अपने आप को सौंप दिया था। तो बोले अब आने से क्या होगा, अब अगर मैं स्वस्थ भी हो जाऊंगी तब भी अब मैं तुम्हें क्या दे सकती हूं, अब तो मैं बूढ़ी हो गई, अब न वो सौंदर्य रहा न वो यौवन रहा कि मैं तुम्हें अब कुछ दे सकूं। भिक्षु ने कहा मुझे उनकी जरूरत नहीं थी, मुझे अब जिसकी जरूरत है वो मुझे मिल रहा है, मुझे तुम्हारी सेवा की जरूरत थी क्योंकि तुमने अपने आप को मुझे सौंप दिया था। कहते हैं कि भिक्षु उस नर्तकी की खूब सेवा करता है, वह स्वस्थ हो जाती है और न केवल स्वस्थ हो जाती है वरन भिक्षु के सानिध्य में रहकर, मुनि के सानिध्य में रहकर वह स्वयं एक श्राविका, एक सदगृहिणी और आगे जाकर के एक महान भिक्षुणी भी वो बन जाती है। जो उपदेश, जो आदेश, जो पैगाम भिक्षु ने उसे इस रुग्ण अवस्था में दिए, यदि वे ही पैगाम वो उससे पहले वर्षों पहले अगर दे चुका होता तो उसके पैगाम मूल्यवान न होते। लेकिन वासव दत्ता जब रोगों से घिर गई, जीवन से नफरत हो गई और लगा कि यह देह नश्वर है और ये दुनिया के लोग केवल स्वार्थी हैं जो केवल देह के सौंदर्य पर मरते हैं, आज जब मैं वृद्ध होने को आ रही हूं, रोगी हो गई हूं, तो कोई मुझे पूछ नहीं रहा, तो आज जब मैं रुग्ण हो गई हूं तो कोई मुझे पूछ नहीं रहा, ऐसी स्थिति में मुद्दे की बात केवल यह समझने की है कि आत्मज्ञानी जनों की पवित्र वाणी, महावीर की वाणी या और भी जो भी महापुरुष होते हैं उनकी वाणी तभी सार्थक हो पाती है जब कोई व्यक्ति, कोई वासव दत्ता बनकर के अपने जीवन में क्या है सत्य और क्या है असत्य, क्या है विद्या, क्या है अविद्या, क्या है ग्राह्य, क्या है अग्राह्य, इस तत्व का बोध अगर अपने भीतर कर लेता है तब महावीर का मुक्ति का मार्ग उसके जीवन से जुड़ता है, उसके जीवन के लिए सार्थक बनता है और तब उसके द्वारा बढ़ाए जाने वाले कदम मुक्ति की तरफ बढ़ाए जाने वाले कदम हो जाया करते हैं। महावीर मोक्ष की बात कर रहे हैं, मोक्ष का अर्थ होता है मुक्त हो जाना।